नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे पीसी 24 न्यूज। जैसे कि एक खुशी का पैगाम आप तक पहुंचाना था, और पैगाम क्या है, हरियाणा के अंदर नॉर्थ इंडिया गोट टैलेंट का जो अभी प्रोग्राम होने जा रहा, जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा प्रोग्राम हरियाणा के अंदर होने जा रहा है, और बड़े बड़े जो बॉलीवुड कलाकार हैं वो खुद जो हरियाणा के युवाओं को, उनके टैलेंट को मौका देने के लिए, उनको सेलेक्ट करने के लिए हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। और प्रोग्राम की जो है पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, कौन कौन सेलिब्रिटी जो है हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के जितने भी टैलेंटेड हैं वो एज की कोई लिमिट नहीं है, जिसके अंदर जो भी टैलेंट होगा वो दिखाया जाएगा स्टेज के, बड़े स्टेज पर जो है मौका मिलेगा उसको, और उससे रिलेटेड हम जानकारी लेंगे। तो बात करेंगे हम दीप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट डायरेक्टर है दीप सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे। और इस प्रोग्राम किस तरह से होगा, कब होगा, कौन कौन सेलिब्रिटी जो है बॉलीवुड के यहाँ के बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, उनको मौका देने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक खुशी का मौका जो अभी आया है उत्तरी भारत में युवाओं को, और जो टैलेंटेड है हमारे हरियाणा के अंदर, खासकर नॉर्थ हरियाणा के अंदर, उन बच्चों को मौका देने के लिए खुद बॉलीवुड एक्ट्स जो सेलिब्रिटी हैं, जो आज तक बड़े बड़े स्टेजों पर काम कर रहे हैं, वो आने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को और जितने भी लोग देखेंगे उनको, ताकि इनमें से जो भी टैलेंटेड है उनको मौका मिले, वो आए। तो सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जी, मैं सर दीप प्रोडक्शन से मैनेजिंग डायरेक्टर दीप सिंह, और आप लोगों के लिए एक सूचना लेके आया हूँ कि हरियाणा में, हरियाणा के पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, नॉर्थ इंडियाज गॉट टैलेंट, लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट सेम पैटर्न है, जो बच्चे सिलेक्ट होके टीवी तक जाते हैं, और उनको जज करने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी खुद यहाँ उनको हरियाणा में और पूरे उत्तर भारत में उनको जज करने के लिए यहीं आएंगे, और हम उनको लेके आए हैं। और लाइक रेमो डिसूजा भी हमारे पास, रेमो डिसूजा जी आएंगे और बच्चों को जज करेंगे, जो जिसमें जो प्रतिभा है उसको निकाल के और आगे ले जाने का काम हम करेंगे। सर रेमो डिसूजा जी एक पूरे भारत के अंदर, विदेशों के अंदर भी एक फेमस है, और बड़े बड़े जो मतलब कलाकार उन्होंने बनाए ग्राउंड से उठा के। हाँ, इसीलिए हम रेमो सर को लेके आए हैं, ताकि हमारे यहाँ का टैलेंट निकले, हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, राजस्थान का, यूपी का, हिमाचल का। हम चाहते हैं कि यहाँ का टैलेंट निकल के और बॉलीवुड तक जाएं, और अब तो बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म, हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बच्चों को कि उनको बॉम्बे ना जाके पहले यहीं से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, शुरुआत हो जाए, वो अपनी प्रतिभा को निखार सके, देख सके, और आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। सर बहुत से ऐसे टैलेंटेड युवा हैं हमारे हरियाणा के अंदर ही, हम बात करेंगे, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला, कहीं ना कहीं कारणवश वो, चाहे वो गरीबी की वजह से हो, जा नहीं सके। ये उन्हीं युवाओं के लिए एक, हम हरियाणा में इतना बड़ा प्रतिभा खोज टैलेंट सर्च इवेंट करा रहे हैं, जो उन्हीं बच्चों के लिए, जो गाँव से, गलियों से, स्कूलों से टैलेंट जो यहीं रह जाता है, खासकर लड़कियाँ, जो हर एक लड़की बॉम्बे नहीं जा पाती हैं, वो अपने टैलेंट को यहीं रह जाता है उनका, तो हम खुद उनको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को यहाँ लाके उनके टैलेंट को दिखाएंगे, और जिसमें जो टैलेंट हुआ फिर वो आगे जाने का काम। सर खासकर हरियाणा के अंदर लड़कियों को प्रतिबंध किया जाता है और उनको मौका नहीं मिलता पढ़ने लिखने के बावजूद भी, वो सिर्फ चूल्हे चौके में ही रह जाती है। तो देखिए, आजकल तो ये 21 सदी है, इसमें तो शायद ऐसा नहीं है। सर हरियाणा के अंदर ग्रामीण एरिया के अंदर जो है बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, उनको स्टेज नहीं मिलता। वो स्टेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनको, नॉर्थ इंडियाज गॉट टैलेंट्स का स्टेज दीप प्रोडक्शन उनको प्रोवाइड कराएगा, और वो अपना टैलेंट आए, अपनी सिटी में ही अपना टैलेंट दिखाएं, उनकी सिटी में उनका ऑडिशंस होंगे, और वहां के अपना टैलेंट दिखाएं, और जो भी होगा उनको हम निकालने की और आगे भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर इसका टाइमिंग क्या होगी, कौन सी टाइमिंग? बहुत जल्दी इनके ऑडिशंस ऑल ओवर नॉर्थ उत्तर भारत में शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी, और उसका हम आपको एक और न्यूज़ देंगे, डेट एंड प्लेस का सारी चीज़ें। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो जो जो रजिस्ट्रेशन फाइनल होते जाएंगे उसी सिटी में हम ऑडिशन फाइनल करते जाएंगे। तो सर क्या मैसेज आप उन टैलेंटेड युवाओं को देना चाहोगे, जो टैलेंट तो बहुत है लेकिन प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से आज घरों के अंदर ही उनके टैलेंट दब चुके हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं घर के सर्कमस्टांसिस के कारण,
और भी बहुत से इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसिस या बहुत सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं, तो उनको देखते हुए हम उनके ज़िले में ही उनको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उसमें अपना आएँ और अपना प्रतिभा दिखाएँ और आगे जाने का मौका लें। दीप जी, जैसे कि आपने बड़े बड़े स्टेजों पे काम किया है और काफ़ी सेलिब्रिटीज के साथ जो है आपकी जान पहचान है, तो कैसे माइंड में आया कि मैंने अपने हरियाणा के अंदर खासकर उन लोगों को नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं टैलेंटेड हैं उनको मौका जो है देना चाहिए? मैं भी खुद हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ और काफ़ी मैं मिस्टर हरियाणा भी रहा हूँ, और मुझे लगा कि हमारे हरियाणा का टैलेंट उस लेवल पे अभी वहाँ जो टैलेंट है डाइस लाइन में खासकर बॉलीवुड लाइन में या और चीज़ों में वो कहीं ना कहीं रह जाता है, तो हम चाहते हैं कि उस टैलेंट को भी दबे हुए टैलेंट ग्रामीण लेवल पे शहरी लेवल पे जो भी टैलेंट दबा हुआ है उसको भी निकाला जाए और इनके सामने रिप्रेजेंट किया जाए और बच्चा आगे जा पाए उस लेवल पे ही पहुंच पाए। मतलब इस प्रोग्राम के तहत किस टैलेंट को देखा जाएगा? डांसिंग, सिंगिंग? यू हैव एनी टैलेंट, डांस का हो सकता है, सिंगिंग का हो सकता है, एक्टिंग का हो सकता है, और भी जो भी यू हैव एनी टैलेंट, कोई भी अंदर आपके अंदर एक्टिविटीज है बच्चे के अंदर या किसी के अंदर, एज का कोई वो नहीं है हमारे इसमें, एज लिमिट नहीं है क्योंकि 2 साल के बच्चे में भी टैलेंट हो सकता है और 100 साल के आदमी के अंदर टैलेंट भी हो सकता है, तो कोई भी आए अपनी प्रतिभा को दिखाएं और उसके बाद कोशिश करेंगे हम आगे बच्चों को पहुँचा पाए इस लेवल पर, सेलिब्रिटी आएंगे और वो जज करेंगे, जिसके अंदर टैलेंट होगा वो आगे जुड़ जाएगा। तो जो बच्चे टैलेंटेड हैं, बच्चे ही हम नहीं कहेंगे, हर एज का अगर किसी के अंदर भी कुछ भी टैलेंट चाहे वो डांसिंग का, सिंगिंग का, एक्टिंग का, जो भी टैलेंट होगा आपके लिए बहुत एक अच्छा मौका जो है आप दीप सिंह जी जो है लेके आने वाले हैं जल्द ही, और पूरे मतलब बॉलीवुड के एक जो सेलिब्रिटी है माने जाते हैं जज के तौर पर वो काम करते हैं, बड़े बड़े स्टेजों पर उन्होंने काम किया है, तो उनसे जो है रूबरू होने का मौका मिलेगा और वो खुद सिलेक्ट करेंगे। रेमो डिसूजा जी जो है जल्द ही आपके हरियाणा के अंदर आने वाले हैं और आपको सिलेक्शन का मौका देंगे, का प्लेटफॉर्म देंगे, तो ये जो है और जितने भी जो टैलेंटेड है जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करें, और नंबर जो है वेबसाइट भी जो है हम बता देते हैं आपको www.dproduction.in.com.in पर, और पेज भी है नॉर्थ इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, तो मतलब हर जगह आपको इस वेबसाइट मिलेगी और से जल्द संपर्क में रहे और तैयारियां अपनी जो है खींच के कर दीजिएगा क्योंकि उतना टाइम नहीं लगेगा, कभी भी जो है जो डेट है वो फिक्स हो सकती है, तो अपने टैलेंट की तैयारियाँ करें और जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करें और आपके टैलेंट को जो है मौका दिया जाएगा बड़े स्टेज पर। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC24 न्यूज़ पर। जय हिंद।